वीरेंद्र सहवाग की यौमे पैदाइश 20 अक्टूबर 1978 को हरियाणा के जाट फैमिली में हुई थी। उनके वालिद का नाम किशन सहवाग और वालिदा का नाम कृष्णा सहवाग था। सहवाग के वालिद किशन सहवाग बताते हैं कि बीरू में क्रिकेट की जुनून 7 माह की एज से ही जाग गया था। सहवाग 2004 में आरती को अपने हमसफर के रूप में चुना था। सहवाग की 2 संतानें भी हैं। प्रेजेंट टाइम में सहवाग अपने फैमिली के साथ दिल्ली के नसबगढ़ इलाके में रहते हैं। वीरेंद्र सहवाग हिंदुस्तान के ऐसे बैट्समैन हैं जिससे मुल्क का हर गेंदबाज खौफ खाता है। सहवाग इंडियन टीम को बहुत तेजी से शुरुआत देते हैं और गेंदबाजों पर शुरू से ही हावी हो जाते हैं। नसबगढ़ के नवाब, मुल्तान के सुल्तान और जेन मास्टर ऑफ मॉडर्न क्रिकेट जैसे अनेकों सबटाइटल से नवाजे गए वीरेंद्र सहवाग ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। इस मैच में सहवाग 1 रन बनाकर आउट हो गए थे और गेंदबाजी के दौरान 3 ओवर में 35 रन दे डाले। इसके बाद सहवाग को काफी समय तक टीम में शामिल नहीं किया गया। दिसंबर 2000 में जिम्बाब्वे के खिलाफ सहवाग को फिर टीम में शुमार किया गया। अगस्त 2001 में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई सीरीज में सहवाग ने पारी की शुरुआत करते हुए अपने कैरियर का फर्स्ट हाफ सेंचुरी जमाया। इसी सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ 69 गेंदों को शतक ठोक कर सहवाग ने अपने हुनर का नमूना पेश किया। टेस्ट मैच में हिंदुस्तान की ओर से ट्रिपल सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड सहवाग के पास ही है। सहवाग ने अब तक 228 वनडे मैचेस में 13 सेंचुरी और 36 हाफ सेंचुरी की मदद से 7380 रन बनाए हैं। वनडे मैच में उनका हाईएस्ट स्कोर 219 रन है। दिलचस्प बात यह है कि सहवाग वनडे क्रिकेट की तुलना में टेस्ट मैच में ज्यादा कामयाब रहे हैं, जिसमें उन्होंने 72 टेस्ट मैच में 17 सेंचुरी और 19 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। मार्च 2010 में उन्होंने हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 60 गेंदों पर सेंचुरी बनाया था। टेस्ट क्रिकेट में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी सहवाग के नाम ही है। सर डोनाल्ड ब्रेडमैन और ब्रायन लारा के बाद सहवाग यूके के तीसरे ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 2 बार ट्रिपल सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। सहवाग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2002 में अर्जुन अवार्ड देकर नवाजा था। इसके अलावा उन्हें 2008 में अपने शानदार परफॉर्मेंस के लिए विजडम लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के तोहफे से नवाजा गया और 2011 में उन्हें बेस्ट क्रिकेटर के लिए ESPN क्रिंसिपो अवार्ड भी दिया गया। सहवाग इंडियन टीम में एक अलग शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं। बहरहाल हम आज उनके सालगिरह की बधाई देते हैं। दिल्ली से मुंशी टीवी के लिए रवि उपाध्याय की रिपोर्ट। Now can you believe it? He got us 100 with a 6. He ramped it over third man. He made his mind up. The audacity to think about just launching one over deep mid on.